हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी बनने वाला गोभी कोफ्ता करी की रेसिपी। आप इसे एक बार इस तरीके से बना के खा लेंगे ना, तो आप इसी तरीके से बार बार गोभी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो आप भी इस तरीके से एक बार गोभी कोफ्ता करी घर पे जरूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गोभी लिया है, जिसे मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने गोभी को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन और 3 से 4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें हम 4 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो इसमें हम 1 चम्मच और बेसन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस मिक्सर का छोटा छोटा बॉल बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके गोभी के बॉल्स को ऐड करेंगे और एक बार में जितना बॉल्स इसमें अटेगा उतना ही ऐड करके इसे हम मीडियम फ्लेम में चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हमें एक एक बार इस तरीके से टर्न करते रहना है, जिससे कि हमारे जो गोभी के बॉल्स है वो अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए, हमारे जो गोभी के बॉल्स है वो अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने उसी तरीके से सारे बॉल्स को फ्राई कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके लिए एक मसाला भी बना के रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 कली लहसुन, 1/2 इंच कटा हुआ अदरक, 10 सोक किया हुआ आलमंड्स को मैंने छील के लिया है, 3 हरी मिर्च और 2 छोटे साइज के टमाटर को कट करके लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड करके इसका हम फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसका फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे हम गर्म होने देंगे। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। आपके पास जो भी खड़े मसाले अवेलेबल हो आप उसका यूज करें। और इसमें हम 2 तेजपत्ता ऐड करके इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन जलने लगा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जैसे कि हमारा जो ऑनियन है वो नीचे से जलेगा नहीं। अब इसमें हम सारे बाकी बचे मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए, इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो आलमंड्स और टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। देखिए, इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया, यानी कि हमारा जो मसाला है वो एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और हम ग्रेवी को कवर करके मीडियम फ्लेम में एक उबाल आने तक पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में अच्छे से एक उबाल आ चुका है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ गोभी के बॉल्स को ऐड करेंगे और इसी टाइम में हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड करेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में ग्रेवी के साथ 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए गोभी के कोफ्ते को ग्रेवी के साथ पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी गोभी कोफ्ता करी बनकर रेडी हो चुका है। आपको मैं ग्रेवी का टेक्सचर भी दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया बना है। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी गोभी कोफ्ता करी बनकर रेडी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म गोभी कोफ्ता करी को सर्व कर लिया है और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और आपको देखने से भी पता चल रहा हो कि ये कितना टेस्टी लग रहा है और यकीन मानिए जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज्यादा खाने में भी टेस्टी है। तो आप भी इस तरीके से एक बार घर में गोभी कोफ्ता करी जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।